क्या लगता है आपको? देखिए, बाहुबली कल भी थे, आज भी है, उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहे। ये है रीतलाल यादव। बिहार की राजधानी पटना में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है और वो है रीतलाल यादव का। कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद भी पूरे इलाके में इस बाहुबली का वर्चस्व आज भी कायम है। बेटा विधायक ने एक बार फिर एक बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कल भी बाहुबली थे, आज भी बाहुबली हैं और आगे भी बाहुबली बने रहेंगे। तब बात होगी जब हम आएंगे। अच्छा सर, आपकी छवि दो तरह की बनी हुई है, एक गरीबों के मसीहा के रूप में लोग आपको जानते हैं, एक तरह बाहुबली भी कहते हैं। सर, बाहुबली कहने पर कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बाहुबली कल भी थे, आज भी हैं, उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहे। बिल्कुल, गरीब के लिए आप बाहुबली हैं, उनके हक पर आवाज उठाते रहते हैं। हर व्यक्ति के लिए बाहुबली है, जिसका जिस रूप में देखना है उस रूप में देखें। अगर समीसा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगे तभी आप लड़ेंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल, वो आशीर्वाद देंगे, पार्टी आशीर्वाद देगा तभी चुनाव लड़ेंगे। तो सर, रामकृपाल के और जनता का कहना है कि रामकृपाल यादव को हरा अगर सकते हैं तो सिर्फ आप ही हरा सकते हैं, क्या कहेंगे सर? पार्टी विचार करेगी। पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर पार्टी चाहे तो ये अवश्य ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है, वह बिहार में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और इस बार अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीट बनने जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी वो कई बार दिल्ली जाने का मन बना चुके हैं। पार्टी की तरफ से बस मीसा भारती के ना का इंतजार है कि मीसा भारती मना कर दें कि वो पाटलिपुत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल, उन्होंने अपनी दबंग छवि दिखाने के लिए कि मैं कल भी बाहुबली था, आज भी बाहुबली हूँ और कल भी बाहुबली रहूंगा, ये बयान देकर राजनीति तेज कर दी है।